अखिलेश चुने गए विधानमंडल दल के नेता। अखिलेश ने बनाई अगले 5 साल की योजना। सड़क से लेकर सदन तक सरकार को देंगे चुनौती। उत्तर प्रदेश चुनाव भले ही समाजवादी पार्टी हार गई हो, लेकिन अब मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार हैं और सरकार के सामने मुखर होकर जनता की आवाज़ उठाने की तैयारी हो चुकी है, ताकि विपक्ष में रहकर भी जनता की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाई जा सके। आज समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। गौरतलब है कि सपा को भले ही चुनाव में सफलता नहीं मिली है, लेकिन अब इसी असफलता को अखिलेश यादव ने अपनी ताकत बना लिया है और एक बार फिर से मैदान में उतर गए हैं। सपा की प्लानिंग है कि अगले 5 सालों तक विधानसभा में जनता की आवाज़ को उठाएंगे। दरअसल तमाम राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि अखिलेश ने चुनाव को बेहद शानदार तरीके से लड़ा, लेकिन वो आखिरी वक्त में बैटिंग करने उतरे, यही वजह है कि ऐसे परिणाम आए। लेकिन अगर वो समय रहते मुद्दों को उठाते तो शायद परिणाम कुछ और होते। खैर, अखिलेश यादव ने इस बैठक में अगले 5 साल की प्लानिंग कर ली है। उन्होंने ये तय कर लिया है कि इन 5 सालों में न सिर्फ जनता के मुद्दों को सदन में उठाएंगे, बल्कि सरकार के झूठ का पर्दाफाश भी करेंगे। अखिलेश के इस असफलता को ताकत बनाने के फैसले को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने चुनाव के बाद करहल सीट नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया और लखनऊ में रहकर ही उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ उठाने की ठानी है। अखिलेश यादव जिन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करेंगे, उसमें देश में बढ़ती महंगाई, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे, सरकार द्वारा की जाने वाली फिजूल खर्ची, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर अगले 5 सालों तक अखिलेश यादव फोकस करेंगे और सदन में सरकार के सामने इन मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाए जाने के कारण चाचा शिवपाल यादव नाराज हैं। हालांकि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ये साफ कर दिया है कि आज की बुलाई गई बैठक में सिर्फ सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, इसीलिए गठबंधन दलों को नहीं बुलाया गया। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 28 मार्च को गठबंधन दलों के नेताओं और विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें शिवपाल यादव को बुलाया जाएगा। बहरहाल, अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से फैसले लिए हैं, उससे इतना तो साफ है कि अगले 5 सालों तक सरकार के खिलाफ मुखर होकर वो जनता की आवाज़ उठाएंगे। जाहिर सी बात है कि अखिलेश का टारगेट 2027 से पहले 2024 में होने वाला आम चुनाव है, जिसके लिए वो अभी से मैदान में उतर गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश का ये फैसला उन्हें कितनी सफलता दिला पाता है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।